रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले वो अपने परिवार के भ्रष्टाचार के बारे में बताए। पहली बार ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट गया हो। वही छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस बीजेपी की तरफ से लाया जा रहा है, इस पर भी उन्होंने तंज कसा। तो देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर, सीएम बघेल ने किया रमन सिंह पर पलटवार, ऑपरेशन लोटस को लेकर के तंज कसा। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को रमन सिंह अपने परिवार के बारे में पहले बता लें, वो तो जांच मत होकर के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को हाईकोर्ट भेजा था, स्टे लिया हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है देश के इतिहास में कि भ्रष्टाचार की जांच ना हो, इसके लिए विपक्ष के नेता हाई कोर्ट जाते हैं और स्टे लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को भुगतान किया। इस दौरान 7,04,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 335.36 करोड़ का भुगतान हो चुका है। गोबर से वर्मी कंपोस्ट और गौमूत्र के ब्रह्मास्त्र और जीवनमृत महिला समूह बना रहे हैं। इससे महिला समूहों को 81.84 करोड़ रुपए की आय हो चुकी है। वहीं गौठानों में अब तक 35,346 लीटर गौमूत्र की खरीदी की जा चुकी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के 4 दिवसीय बस्तर प्रवास के लिए जगदलपुर पहुंचने पर स्थानीय मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में स्वागत किया गया। एयरपोर्ट में कमिश्नर श्याम धावड़े, प्रभारी आईजी समेत तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 सितंबर को राज्यपाल धर्मपुरा स्थित सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम और संध्या काल में मोतीपारा स्थित महावीर भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। 23 सितंबर को राज्यपाल कोंडागांव जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। 24 सितंबर को जगदलपुर से नियमित विमान सेवा से रायपुर के लिए रवाना होंगी। जगदलपुर के विभिन्न संगठनों और ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क 4 दिवसीय दिव्यांग सेवा शिविर की शुरुआत की गई। शिविर की कृत्रिम अंग निर्माण करने वाली टीम जयपुर राजस्थान में पहुंची। आपको बता दें कि शिविर में कृत्रिम पैर, हाथ, कलिपर्स, व्हीलचेयर और बैसाखी भी दी जाएगी। इस शिविर में दंतेवाड़ा जिला प्रशासन का समाज कल्याण विभाग भी पूरी मदद कर रहा है ताकि ग्रामीण अंचल से दिव्यांग भाई बहनों को लाया जा सके। दंतेवाड़ा ने कलेक्टर विनीत नंदवार ने भी अपने जिले से दिव्यांगों को शिविर तक पहुंचाने की हिदायत दी और संबंधित विभाग को निर्देश जारी कर दिए। आपको बता दें कि जैन समाज के लोगों ने अच्छे स्तर पर शिविर स्थल की पूरी तैयारी कर रखी है। शिविर में आने वाले दिव्यांग लोगों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। जांजगीर चांपा में आपको बता दें कि घर के अंदर तलवार लेकर जान से मारने की धमकी देने वालों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई। ये मामला जिला जांजगीर के थाना पामगढ़ का है। आपको बता दें कि आरोपी घर के अंदर तलवार लेकर घुस गया और जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज कराया। अतुल पांडे, अनिल पांडे, मीरुगीर गोस्वामी तीनों कोई तलवार धर के घर में घुस के गाली गलौज करत रही थी और निकालो तुम्हारे पति को, निकालो मारेंगे पीटेंगे कह के गाड़ी बैठ गए थे और नहीं खोजिस घर भर नहीं पाई तो बेटा लेकर निकाला मारबो पीटबो कह के बोला। बस्तर पुलिस आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इस बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। शराब की दुकान से हुई चोरी की गुत्थी को पुलिस सुलझा ली। आपको बता दें कि दरअसल हाल ही के दिनों में गीदम रोड स्थित शराब की दुकान से अज्ञात चोर ने दुकान के ताले को तोड़कर लॉकर में रखी 10,066,710 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपी दुकान में ही काम करते थे। एक आरोपी 5 साल से तो दूसरा आरोपी 3 साल से दुकान में काम करते थे। शराब दुकान की चाबी सहायक सेल्समैन सुकेश देवरी रखता था। दोनों कर्मचारियों ने शराब की बिक्री से मिली राशि की योजना बनाकर चोरी का स्वरूप देते हुए उड़ा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 7,06,000 रुपए जब्त कर लिए गए हैं।
जहां कुछ दिन पूर्व गीदम रोड स्थित शासकीय शराब दुकान के सेल्समैन लोचन साहू के द्वारा थाना बोधघाट में एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात किसी चोर के द्वारा जो है शराब दुकान के ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश कर जो है लाकर को तोड़कर जो है उसमें रखे शराब की बिक्री की राशि को जो है चोरी कर लिया गया है। सूचना पर थाना बोधघाट में धारा 457-380 चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था और दौरान अनुसंधान के घटनास्थल और आसपास जो है सिटी सर्विलेंस सिस्टम के अंतर्गत लगाया गया जो सीसीटीवी। अंबिकापुर सरगुजा में 19,08,000 के नशीली इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा भावना गुप्ता के निर्देशन में नशे के खिलाफ अभियान नवा बिहान चलाकर कार्रवाई की गई। शातिर अपराधी पूर्व में भी झारखंड और गांधीनगर थाने में अवैध कट्टा रखने के आरोप में जेल जा चुका है। चलिए फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रायपुर के खमाडी शक्तिनगर स्थित एक मकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों की खोजबीन करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से टीवी, बूफर, सोने चांदी के जेवरात तथा नकदी जब्त कर कार्रवाई की है, जिसके बाद चोर को गिरफ्तार करने वाली टीम को सम्मानित भी किया गया। नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने नगर निगम जोन 2 के कार्यों की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। महापौर एजाज ढेबर ने जोन कमिश्नर को वार्डों में पार्षदों के सुझाव पर महापौर की घोषणा में 10-10 लाख के नए विकास कार्य शीघ्र करवाने के प्रस्ताव देकर नियमानुकूल कार्रवाई जनहित में प्राथमिकता से करवाए जाने को लेकर के निर्देशित किया। कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा सड़कों का मरम्मत कार्य प्रारंभ किया गया है। शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में कांकेर से गुजरने वाली सड़क का मरम्मत कार्य 20 सितंबर से प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अनुविभागीय अधिकारी संतोष नेताम ने जानकारी दी है कि कांकेर शहर में गोविंदपुर से सिंगारभाट तक सड़कों के गड्ढों को भरने एवं सड़क मरम्मत कार्य किया जा रहा है। 3 दिवस पर पूर्व आपको बता दें कि बारिश होने से WMM मटेरियल से किए गए कार्य क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसमें सड़कों पर पुनः गड्ढे निर्मित हो गए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा कलेक्टर के निर्देशन का अमल करते हुए 2 दिवस में अधिकतर सुधार कार्य शहरी क्षेत्र में किया गया है। विभाग के द्वारा WMM ने सुधार कार्य वर्षा होने पर भी 15 अक्टूबर तक निरंतर जारी रहेगा। कांकेर में कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानु प्रतापपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। डॉक्टरों से बातचीत कर अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और मरीजों के संबंध में पूछताछ की। चिकित्सक डॉक्टर विवेक देशमुख, डॉक्टर विकास ध्रुवा और डॉक्टर रावटे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय अस्पताल में मौसमी बुखार के मरीज ज्यादा हैं। निरीक्षण के समय 84 मरीज अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे। कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने अस्पताल के विभिन्न कक्षों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में निर्माणाधीन 20 बिस्तर अस्पताल भवन का भी निरीक्षण किया।
कांकेर जिले के शहरी क्षेत्रों में कृष्ण कुंज बनाया गया है, जहां पर छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति से संबंधित विभिन्न फलदार पौधों का रोपण किया गया। कृष्ण कुंज तहसील मुख्यालय भानुप्रतापपुर में भी लगभग एक एकड़ बनाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे की प्रजाति के लगभग 450 पौधे लगाए गए हैं। वहीं कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने कहा कि कृष्ण कुंज का निरीक्षण कर पौधों का रोपण किया गया है और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को कृष्ण कुंज का अच्छे से रखरखाव करने और खरपतवार की सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के लिए इस साल 8 पहियों वाला रथ तैयार किया जा रहा है। विजय रथ को खड़ा करने के पहले बुधवार सुबह रथ निर्माण में जुटे कारीगरों ने पहिए की नारफोड़नी रस्म पूरी की। परंपरा अनुसार नए पहिए की पूजा अर्चना कर बकरे की भेंट दी गई। इस साल बस्तर में दशहरा के लिए 40 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 30 फीट ऊंचा विशाल विजय रथ तैयार किया जा रहा है। इस कार्य में झार और बेड़ा उमरगांव के 100 से ज्यादा कारीगर 6 दिनों से लगे हुए हैं। यह रथ 5 अक्टूबर विजयादशमी और 6 अक्टूबर एकादशी की शाम भीतर रैनी और बाहर रैनी के रूप में खींचा जाएगा। इन पहियों में बिरिंगपाल रायकोट और डिमरापाल के लोहरों द्वारा लोहरा लाड़ी में तैयार किए गए गुर्दों को लगाया जाएगा, उसके बाद ही इन्हें एक्सल में पिरोया जाएगा। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं कलेक्टर एसीपी ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान दर्शकों की सुरक्षा के सुविधाओं पर विशेष फोकस किया गया। सीरीज में सचिन तेंदुलकर, युवराज, जॉन्टी रोड्स, ब्रायन लारा, ब्रेटली जैसे खिलाड़ी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 27 सितंबर को नॉकआउट के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं 28 और 29 सितंबर सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, तो 1 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला होगा। भिंड जिले के लाहार अनुभाग के अंतिम छोर पर स्थित गेथरी गांव में आज सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थानीय नागरिकों की माने तो एक घर में संचालित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। देखते ही देखते पटाखों के धमाकों की आवाज से पूरे इलाके में लोग दहशत में आ गए। गनीमत ये रही कि ग्रामीणों की सूझबूझ में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल पटाखा फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे। एक कमरे में आग लगते ही पटाखा फैक्ट्री के दूसरे कमरे में रखे अवैध पटाखों और विस्फोटक सामग्री को पीछे रास्ते से तालाब में फेंक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पूरे बने रखे हैं, पूरा माल डालो दे। बंद नहीं रखो, देख रहा है। बार को नहीं रखो। खालवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालीघोड़ी आश्रम पर रहने वाले पंकज मुनि महाराज को धमकी मिल रही है। इस संबंध में पंकज मुनि महाराज ने खंडवा एसपी विवेक सिंह को आवेदन देकर अवगत कराया। पंकज मुनि ने बताया कि कुछ समय पहले से ही धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। तो देखिए, पंकज मुनि ने सुरक्षा की मांग की है, खंडवा एसीपी को इस मामले को लेकर के अवगत कराया गया है। तो पंकज मुनि ने सुरक्षा की मांग की है। पंकज मुनि महाराज को धमकी मिल रही है और इसी को लेकर के उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, खंडवा एसीपी को इस पूरे मामले को लेकर के अवगत कराया है। मैंने एसपी साहब को, पुलिस अधीक्षक महोदय, ये शिकायत दी कि मुझे कालीगुड़ी रहने पर जंगल है, वहाँ पहले भी हमारे बड़े महाराज जी थे जिनकी मर्डर और हत्या हो गई थी। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा मुझे धमकियाँ मिल रही कि मर्डर कर डालेंगे, हत्या कर डालेंगे, आपको NDPS में फंसा देंगे, किसी षड्यंत्रों में आपको फंसा देंगे, फिर आपको जेल भेज देंगे। इस तरह से आए दिन कुछ संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा धमकियाँ।
भिंड में नगर परिषद मेहगांव के जनप्रतिनिधियों की तरफ शहर की स्वच्छता सुनिश्चित करने और लोगों में सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। शहर को साफ सुथरा रखने के मद्देनजर आज स्वच्छता का महाअभियान चलाया गया। इसके तहत मेहगांव नगर परिषद के अध्यक्ष कंचन पिंटू राठौड़, उपाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, नरेंद्र मिश्रा, प्रदीप शर्मा टुंडे, बाबा समेत अन्य पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान स्वच्छता अभियान के तहत मेहगांव के जनप्रतिनिधियों ने झाड़ू लेकर सड़कों पर झाड़ू लगाई। देखिये, स्वच्छता के मद्देनजर महाअभियान चलाया गया। देखिये, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों ने सड़क पर झाड़ू लगाई, तो लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड से ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्वच्छता के मद्देनजर महाअभियान चलाया गया, जो जनप्रतिनिधि है वो सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो ये महाअभियान स्वच्छता के प्रति आप मध्य प्रदेश के भिंड से ये तस्वीर देख सकते हैं, जहाँ पर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है और जो जनप्रतिनिधि है वो सड़क पर उतरे हैं झाड़ू लेकर के और झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम हमारा जो है स्वच्छता अभियान का 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये जो है हमारे जो है प्रधानमंत्री जो है की जो है जन्म शताब्दी के तहत जो है जो स्वच्छता अभियान जो शुरू किया गया है वो ये बराबर जो है 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। भिंड कलेक्टर के निर्देशन पर मिलावटखोर माफिया पर धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर कोतवाली थाना अंतर्गत जामपुरा रोड पर अवैध तरीके से चल रही मिठाई फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जिसमें कई प्रकार के केमिकल मिठाइयों में मिलाए जा रहे थे। वहीं कई प्रकार के केमिकल पाउडर भी मिठाइयों में मिलाए जा रहे थे। आपको बता दें कि इस दौरान फैक्ट्री में सड़े हुए सामान भी मिले, जिन्हें फूड विभाग और पुलिस ने तुरंत नष्ट किया। वहीं मौके पर पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है। आपको बता दें कि मिठाई गोदाम का मालिक अखिलेश बघेल मौके से फरार हो गया। तो देखिए, मौके से 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध मिठाई फैक्ट्री पर छापेमारी देखने को मिली है, फूड विभाग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली और मौके से 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।